गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाई तुलसी देव्य प्रिया ऐ केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतई नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरि हरे हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरि हरे हरे राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म पितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग सवेरे श्रवण कर रहे थे भगवान अजन्मा होते हुए भी भगवान कैसे जन्म ग्रहण किया है। लेकिन जब भगवान जन्म ग्रहण किया है उसी समय इसी जगत में देखना साधारण, अगर मोदी आए ना पुरी में उसके लिए कितने सजावट होता है, उसके लिए कितने स्वागत और उसके लिए तोरण, उसके लिए पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। साधारण एक जगत का प्राइम मिनिस्टर आने पर उसके लिए इतने सजावट है, लेकिन आज कौन आ रहे हैं? कहते अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं पालनहार जगत में आ रहे हैं, इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं आ रहे। तो उसके लिए कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए है? कितने स्वागत नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर श्री गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, कहते जितने सारे नदियाँ कहते कलकल नाद से बहते हुए बोले शिष्यावर रामचंद्र की है, सबके सब कलकल नाद से सबके सब बह रहे थे सारे नदियाँ। विशेष करके जो सरज नदी थी है, जो पवित्र नदी श्री अयोध्या में, इनकी नदी की तो आनंद का कोई सीमा नहीं, बल्कि बोले भगवान राम इसी जल में प्रभु जल विहार करेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीला प्रभु करेंगे। इसलिए सरज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं सरज नदी है। और जब जन्म हुए उसी समय में ये पृथ्वी भी आनंद की कोई सीमा नहीं, बोले पृथ्वी इतना आनंदित क्यों हो रही है? क्योंकि ये पृथ्वी से ये माता सीता जन्म ग्रहण करेगी, और जो सीता माता जो सीता हैं कहते माता सीता कौन, बोले जब पृथ्वी से जन्म लेगी सीता को साथ में राम के साथ ही होगी, इसलिए ये पृथ्वी भगवान के राम का क्या लगती है, उनकी सासु लगती है। इसलिए ये पृथ्वी बड़ी प्रसन्न हो रही थी, मैं भगवान की सासु बनने वाली हूँ है, सासु बनने वाली। और जितने कमल फूल सबके सब है, सबके सब कमल फूल खिल गए, बोले कमल फूल क्यों खिल गए,
बोले भगवान के अंग को संत लोग जब उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजाग्र। भगवान के सारे अंग को कमलों के साथ में उदाहरण दिया, उनका नेत्र कमल, उनके मुख कमल, उनकी नाभि कमल, उनकी हस्त कमल, उनकी चरण कमल, सब कमल कमलों के साथ उदाहरण देंगे। इसलिए कहती जो कमल है एकदम ये कमल खिल गया है, ये कमल खिल गया कमल, इसलिए और पूरा अयोध्यापुरी में हैं भगवान आ रहे हैं, इसलिए उनको स्वागत करने के लिए सारे पेड़ पौधा में एकदम फल फूल लताओं में पूरा के पूरा भर गया है। पूरा अयोध्या एकदम पूरा दुल्हन जैसे, ये अयोध्या ये दुल्हन जैसे सज गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बल्ले ना ओमी तिथि माधो मास पोनीता, नवमी तिथि माधुमा सपुनीता, शुकल पक्ष अभी जीत हरि प्रीता, शुकल पक्ष अभी जीत हरि प्रीता, माघ दिवस अतिशि तपमा, माध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक कविश्रामा, पावन काल लोक कविश्रामा, तिथि मधुमा सपुनीता। यहाँ पर गोस्वामी वर्णना कर रहे हैं भगवान जब अवतीर्ण हुए कौन सा नौमी तिथि में, बोले ये नौमी तिथि में क्यों अवतीर्ण हुआ हुए हैं, बोले को रिक्ता तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब क्या मतलब क्या? कहते नौमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते, रिक्ता मतलब होता है नौमी तिथि में कोई अच्छे काम नहीं करते, बताए नौम तिथि का दिन अगर कोई यात्रा करेगा ना वो मृत्यु है, उसको मृत्यु है, इसलिए नौमी तिथि को रिक्ता तिथि कहते, इसमें कोई काम अच्छे काम कोई करते नहीं। एक दिन ये नौमी तिथि बड़े दुखी हो गया, दुखी होकर भगवान के पास में गया, बोले प्रभु मेरे को जान से खत्म कर दो। बोले क्यों, बोले मैं जब आता हूँ मेरे तिथि में कोई अच्छे काम करते ही नहीं है, कोई अच्छे काम कोई करते ही नहीं, ये जीवन रहना नहीं रहना बराबर है, इसलिए इसको रिक्ता रिक्ता मतलब खाली। भगवान कहते भैया मैं तो यही तिथि को मैं भी ढूंढता हूँ। बोले क्यों, बोले कहीं अगर खाली हो तभी तो कोई चीज भरा जा सकती है ना, और जिसमें ऑलरेडी भरा हुआ चीज उसमें फिर क्या भरो क्या, ऑलरेडी तो उसमें भरा ही हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ मेरे पास में सबके सब आए रिक्ता होकर, क्या होकर खाली हृदय करके। कहते भगवान जब कृष्ण बंसुरी बजाते हैं, बोले क्यों बंसुरी बजती है, बोले बंसुरी में दो गुण है, कितने गुण है क्या क्या है, पहला नंबर है बंसुरी अंदर खोला खाली है, दूसरा गुण क्या है, भगवान जैसे चाहते हैं वो वैसे ही बजती हैं, प्रभु जैसे चाहते वैसे ये बजती, इसलिए बंसुरी बजती है। अगर हम सबके सब बंसुरी बन जाए ना आज कन्या में, कृष्ण भी हमें बजना शुरू कर दें, लेकिन ऑलरेडी हमारे अंदर भरा ही हुआ है, भगवान को पास में तो आए हैं लेकिन भर करके हृदय आए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ऑलरेडी हिंसा द्वेष छल कपट ऑलरेडी हम भर करके आए ठाकुर जी के पास में, पर ठाकुर जी भर के क्या, कल तुम तो ऑलरेडी तुम भर करके आए हो मेरे पास में, इसलिए भगवान भर ही नहीं सकते। इसलिए भगवान राम बल भैया मैं तो ऐसे तिथि चाहता हूँ, हाँ ऐसे व्यक्ति को चाहता हूँ जो रिक्ता हो जो खाली हो, तब तो मैं भर दूंगा ना, इसलिए कोई बात नहीं तू रिक्ता है ना, इसलिए मैं तेरे हृदय में मैं ही प्रकट हो जाऊंगा, इसी तिथि में प्रकट होऊंगा। इसलिए भगवान कौन सा तिथि में आए, नौमी तिथि में भगवान आए हैं, इसलिए राम भी नौमी तिथि में आए, मैया सीता भी नौमी तिथि में आई है,
कि दोनों ही ये नौमी तिथि में राम और सीता स्वयं आए। शिक्षा देते हैं अगर हम भी ऐसे नौमी तिथि बन जाए ना, हमारे हृदय में सीताराम की निवास हो जाएगा। हाँ, सीताराम की निवास हो जाएगा हमारा हृदय में। कहते ये नौ संख्या है, ये पूर्ण संख्या है। और ये जो ग्रंथ का नाम क्या है, कहते श्री रामचरित मानस। कितना कह रहे? नौ कह रहे, इसमें नौ कह रहे। इसलिए जो नौ संख्या ये पूर्ण संख्या है। और देखा नौ एक है, नौ नौ दुई अठारह, अठारह एक आठ मिलकर के फिर नौ, नौ तीन सताइस, दो सात मिलकर के नौ, नौ चार छत्तीस, तीन छः मिलकर के नौ, नौ चार नौ पाँच पैंतालीस, चार पाँच मिलकर के नौ, नौ शोक तेसठ, चौवन, पाँच चार मिलकर के नौ, नौ नौ सत्ता तेसठ, छः तीन मिलकर के नौ, नौ अष्टा बहत्तरी, सात दो मिलकर के नौ, नौ नौ इक्यासी, नौ नौ इक्यासी, आठ एक मिलकर के नौ है, और नौ दस नब्बे। इसमें जो संख्या है ना, कहते जो नौ संख्या है, ये नौ संख्या सबके सब ये पूरा संख्या नौ है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं मैं है जो रिक्त हृदय हो और जो पूर्ण हो ना, नौ संख्या ये इस ऊपर में और ज्यादा कोई संख्या है ही नहीं। नौ संख्या सबसे ये बड़ा संख्या, ये नौ संख्या है। इसलिए बड़ा संख्या इसमें कुछ है ही नहीं, सबसे बड़ा संख्या नौ है। इसलिए भगवान शिक्षा देते हैं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, सबसे सबसे बड़ा मैं हूँ और बड़ी को हृदय में ही मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए कहते नवमी तिथि, बोले कौन सा महीना में आए, बोले मधुमास पुनीता, मधुमास में आए हैं। कहते मधुमास में आए, कहते मधुमास किसको कहते, बोले बसंत ऋतु, बसंत ऋतु। कहते चैत्र और वैशाख, ये जो दो महीना है, ये दो महीना को क्या बोलते हैं, ये बसंत ऋतु है। कहते ये बसंत ऋतु में जो प्रकट होता है, कहते उसका जो स्वभाव है ना, बड़ा मीठा स्वभाव होता है। जैसे छह ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु कौन सा ऋतु है, कहते ये बसंत ऋतु है। कहते ऋतुराज, ऋतुराज है बसंत है, इसलिए बसंत ऋतुराज है। कहते इसी महीना में अगर कोई जन्म हुआ होगा ना, अब देखना उसका जो पानी बड़ा मीठा पानी होगा, बड़ी मीठे बोलने वाले व्यक्ति होगा। इसलिए यहाँ तक भी आप देखना, जब शत्रु को साथ में कोई शत्रु बात करता है, कैसे मीठी मीठी बात करते हैं, एकदम पूरा आग बबूला होकर के हैं, एकदम आग बबूला होकर के बात करते हैं, गाली देते हैं। लेकिन यहाँ राम जब श्री को साथ में हैं, जब रावण को साथ में भगवान बात कर रहे थे, कहते उसी समय में भी भगवान बड़े मीठी बोली बोल रहे थे। अब देख लेना है, रामायण देखे हो, जब राम रावण में संवाद हो रहा है, रावण तो आग बबूला हो करके गद्दी गद्दी उल्टा पुल्टा बात बोलते हैं, लेकिन भगवान राम उसी समय में भी भगवान कभी हैं, कभी भगवान कभी भी जोर से बात नहीं करते, उस समय भी मर्यादा को रक्षा करते हुए भगवान। इसलिए कहते मधु मास में जो जन्म ग्रहण किया होगा उसका बोली बड़ी मीठी बोली होगी। इसलिए कहते मधु मास पुनीता, कहते ये कौन सा पक्ष में जन्म हुए, बोले शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष में जन्म हुए। कहते जो व्यक्ति शुक्ल पक्ष में जन्म ग्रहण करेगा वो बड़े चरित्रवान होगा, बड़े चरित्रवान होगा, उसका चरित्र बड़ा सदाचार संपन्न होगा। वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप में, कहते स्वाभाविक रूप में असत प्रति, गंदी चीज का प्रति उसका मन कभी जाएगा नहीं, हर समय उसका मन अच्छे चीज में मन जाएगा और बड़े सत चरित्रवान होगा है, बड़े सरित चरित्रवान होगा वो व्यक्ति। इसलिए भगवान शुक्ल पक्ष है। कहते अभिजीत है, कहते कौन सा मुहूर्त में भगवान जन्म हुए, बोले अभिजीत मुहूर्त में। बोले अभिजीत का मतलब क्या है, अभिजीत मतलब होता है, है? अभिजीत मतलब होता है सबको ऊपर में जो जीतता है, सबको ऊपर में जो शासन करता है, सबको जो जीत करके है, सबको जो परास्त करके
जो कभी किसको पास में परास्त नहीं होते, सबको जो परास्त करते हैं। इसलिए वो अभिजीत मुहूर्त में जो जन्म ग्रहण करेगा वो एकदम सबको परास्त करेगा, उसको ऊपर में कोई जगत में उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। इसलिए अभिजीत हरि प्रीता बोले माध्य दिवस अति सीता न घावा, माध्य दिवस अति सीता न घावा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान राम ठीक मध्य दिवस में ठाकुर जी जन्म हुए। बोले ये मध्य दिवस में क्यों भगवान राम जन्म हुए, इसका क्या रहस्य है? कहते जो भगवान राम सूर्य वंश में ठाकुर जी जन्म हुए हैं, सूर्य वंश में, इसलिए कृष्ण जन्म हुए, राम तो जन्म हुए एकदम तीन दोपहर में, क्योंकि जो सूर्य का जो प्रचंड तेज कहाँ पर किस समय होता है, एकदम ठीक दोपहर में देखना उसका प्रचंड तेज ठीक दोपहर में। इसलिए भगवान राम है, ये राम भगवान इसलिए ठीक दिन दोपहर में भगवान सूर्य वंश में आए, दोपहर में आए हैं, दोपहर में। और भगवान कृष्ण कौन से समय में आए, रात को 12 बजे, रात को 12 बजे। क्यों? उसी समय जो चंद्रमा कृष्ण आए, चंद्र वंश में आए कृष्ण, चंद्र वंश में कृष्ण आए, इसलिए अब रात में आए। रात में क्या होता है, लोग चोरी करते हैं, इसलिए कृष्णा चोर है ना, इसलिए रात दोपहर में आए। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं हाँ, एक उन्होंने एक चौराग्र भगवान को तो एक अष्टक चोर के ऊपर लिख दिए। क्या पहला श्लोक क्या है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम पांगनानाम चदुकोल चौरम अनेक जन्मांजित पाप चौरम चौराग्र गन्नम पुरुषम मातम। इसलिए कहते पहला क्या है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, जो ब्रज में ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, कहते श्री मखन चोर नाम से जो जगत में प्रसिद्ध है। इसलिए वृंदावन में जाओ ना, उनको जयकार बोले मखन चोर भगवान की, अरे जोर से बोलो, बोले श्री मखन चोर भगवान की। इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, उसके बाद में गोपांगना नाम चो धुकुल चौरम, बोले ब्रज गोपियों का जो वस्त्र को चुराया, बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, कहते अनेक जन्म जन्मांतर का जो पाप को जो चोरी करते हैं, मन को जो चोरी करते हैं, चीत को जो चोरी करते हैं, हैं? कहते ऐसे कौन, बोले चौराग्र गन्नम पुरुषम नमामि, ऐसे जो सबसे बड़े चोर है उनका चरण में हम प्रणाम करते हैं। हम लोग का मन चुराया तभी तो यहाँ पर आए हो, अगर हमारे मन को नहीं चुराते तो हम घर में ही फंसे रहते, माया में फंसे रहते। इतने आसानी नहीं घर को छोड़ना, इतने आसानी नहीं घर को छोड़ना है। इसलिए बोले कोटि जन्म रे थाकिले भाग्य विषय छाड़ी है वैराग्य, बोले करोड़ों जन्म का अगर भाग्य हो तभी ये विषय को मोह कोई छोड़ सकता है, नहीं तो कैलाश जैसे पहले कुत्ता बनेगा है, आ सकती है ना। कहते नारद जी कहते कब चलोगे, बोले बच्चे का थोड़ा शादी हो जाए, थोड़ा शादी हो जाए, आए तो बोले बच्चे शादी हो गए, बोले थोड़ा सा नाती देखने का इच्छा करता है, बोले नाती हो गया, बोले पोता देखने की इच्छा करता है। फिर घर में क्या हुआ, कुत्ता जन्म लिया, फिर घर में बैल जन्म हुआ, फिर सांप के ऊपर में, फिर सर्प जन्म लेकर पैसा के ऊपर पड़ा रहता था, फिर बच्चे जहाँ टाटी करते थे फिर वहाँ कीड़े बन करके वहीं पर लटर पटर करता था। ये माया जो संसार का जो माया है ना, नाती पोती बट्टे बेटा बेटी, इतने आसक्ति नहीं, इतने आसानी नहीं ये माया को छोड़ना। इसलिए करोड़ों जन्म का कोई भाग्य होना तभी कोई ये माया को कोई छोड़ सकते हैं, नहीं तो माया को कोई छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण सबसे बड़े चोर है, हमारे हृदय को चोरी किया तब हम मंदिर में आए और ठाकुर जी की सेवा हम कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, है? इसलिए कहते कृष्ण एकदम रात एकदम 12 बजे जन्म हुई, अब भगवान राम एकदम तीन दोपहर में जन्म हुई। जब दोपहर में जन्म हुए ना तो यहाँ गोस्वामी जी वर्णना करते हैं, उन्होंने एक बड़ी सुंदर
बोले मास दिवस कर दिवस भाव मरम ना जाने कोई, रात समेत रवि था के ओ निशा कवन विधि होई। बोले जब भगवान राम जन्म हुए बोले मास दिवस कर दिवस भा मरम ना जाने कोई, जब भगवान राम जन्म हुई अयोध्या में अयोध्या नाच उठा, अयोध्या नाच उठा। कहते जिस समय भगवान राम जन्म हुए कहते देवी गंधर्व ऋषि मुनि भी सबके सब वो महोत्सव में आए। शंकर जी पार्वती को कह रहे बोले पार्वती मैं भी गया था, पार्वती तू भी गई थी। कहते हम दोनों है ना मानव रूप धारण करते, ये कहाँ भूषण भी गया था, ये कहाँ भूषण भी गया था है, हम भी जिस समय उत्सव हो रहा था बोले श्री राम लाला की हाँ, इसलिए बोले जियो श्याम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग। अयोध्या में आयो राम लाला, अयोध्या में आयो राम लाला, अयोध्या में आयो राम लाला, गोपियों से पड़ गया अब पाला, गोपियों से पड़ गया अब जियो जियो राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला जियो राम लाला गोपियों से पड़ गया। चरमर चरमर कर पालना, चरमर 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 कर पालना, अयोध्या वासी बोले जियो ललना, अयोध्या वासी बोले जियो ललना, अयोध्या वासी बोले जियो ललना, अयोध्या वासी बोले जियो 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 राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी। गिरी जल पिपोरी लाडू पुआ, गिरी जल पिपोरी लाडू पुआ, गिरी जल पिपोरी लाडू पुआ, कौशल्या घरे आनंद हुआ, कौशल्या घरे आनंद हुआ, जियो राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला। पत्थरों का ना ओआ ओआ, पत्थरों का ना ओआ ओआ, पत्थरों का ना ओआ ओआ, पत्थरों राम ओआ ओआ, पत्थरों राम ओआ ओआ, समझा बे कौशल्या भावे कौशल, जियो जियो राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो राम लाला जियो राम लाला दिली तेरी पगड़ी। दशरथ के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, जय राम लाल की, दशरथ के आनंद हुआ जय श्री राम लाल की, 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 जय राम लाल की। इसलिए पूरा अयोध्या वासी नाच रहे थे, पूरा अयोध्या में है सारे देवता लोग उतर करके खूब गा रहे हैं खूब नाच रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं जिस समय भगवान आए जब जन्म उत्सव मना रहे थे, भगवान आए सूर्य वंश में, इसलिए सूरज ना एक जगह पर खड़े हो गए। बोले कितना दिन तक खड़े, बोले एक महीना तक। अब देखना आनंद आ जाए ना,
समय कैसे बीत जाती है पता नहीं चलता है। लेकिन जब दुख है ना, एक एक पल बीतना बड़ा कठिन है। जब कोई दुख आता है, आनंद में समय बीत जाती पता नहीं चलता कब समय, हाँ कहते घड़ी नहीं घोड़ा है, घड़ी नहीं घोड़ा बन जाता है। लेकिन जिसमें दुख होना एक एक पल है, एक एक पल बीतना बड़ा कठिन होता है। इसलिए वहां पर इतना आनंद में बचे हुए, और सूरज तो एक जगह पर टकटक लगा करके एक जगह पर खड़ा हुआ, क्यों, आज प्रभु मेरे वंश में ठाकुर जी आए। लेकिन जब पता नहीं चला, सबके सब तो गा रहे थे नाच रहे थे, लेकिन चंद्रमा एक कोने में खड़े होकर के चंद्रमा रो रहे थे। भगवान राम ने पूछा, भैया मेरे जन्म उत्सव में सब नाच रहे, तू बैठ बैठ के रो रहे, कि बोले रोऊंगा नहीं, क्या हंसूंगा, बोले तू भी तो हंस, तू भी तो नाच, बोले कैसे नाचूंगा, बोले देखो ये सूरज ये एक महीना से एक जगह पर खड़ा हुआ, यहाँ सेट ही नहीं रहे, ये जब तक ये सूरज नहीं जाएगा फिर मैं कैसे आऊँ, सूरज जाएगा तो तभी तो मैं आऊंगा, लेकिन ये हट नहीं रहा यहाँ से, इसलिए प्रभु मैं तो वंचित हो गया, आपकी जन्म उत्सव से वंचित हो गया। भगवान राम बोले कोई चिंता मत करो, इसी अवतार में तो मैं सूर्य वंश में आया, अगली अवतार में मैं चंद्र वंश में तेरे वंश में आ जाऊंगा। बोले प्रभु पता नहीं कब द्वापर आएगा, अभी तो तृतीया पता नहीं, अभी तो बहुत दिन बाकी है। बोले फिर कोई चिंता मत करो, हैं, मैं अपना साथ में तेरे नाम को जोड़ लूंगा। बोले कैसे, बोले मेरा नाम राम है, अभी तेरे नाम को जोड़ दूंगा, दुनिया मेरे को राम चंद्र बोल करके बोले, बोले श्री सियावर राम चंद्र की, तो खुश हो ना, बोले मेरे को ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं पूरा एक महीना तक महोत्सव चले, जिसमें बड़ी बड़ी देव हैं, ऋषि सबके सब आए। इसलिए भगवान जो जन्म हुए कौन सा नक्षत्र में, बोले पुनर्वसु नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र है, पुनर्वसु, पुनर्वसु मतलब क्या है, कहते जिसका राज्य उजड़ गया, जिसका जीवन उजड़ गया, पुनः उसको जो बैठा दे, पुनर्वसु पुनः उसको सही स्थान पर जो बैठा दे, इसलिए उसका नाम पुनर्वसु। इसलिए भगवान राम पुनर्वसु में जन्म हुए, इसलिए कितने व्यक्तियों का उजड़ा हुआ जीवन को बैठा दी, किसको जीवन उजड़ गया था, बोले श्री सुग्रीव का जीवन उजड़ गया था, जिसका पत्नी को बाली ने, जिसकी पत्नी को लेकर के अपना पास में रख लिया, जिसको राज्य से खदेड़ दिया, जिसको राज्य से, और डर के मारे छुपा था, लेकिन जब श्री राम की शरण में आए, राम की शरण में आए, भगवान ने प्रतिज्ञा किया, बोले कोई चिंता नहीं, तुम्हारे भी स्त्री गया मेरा भी स्त्री गया है, दोनों का, तुम्हारे भी स्त्री गया मेरा भी स्त्री गया, अभी मैं तुमको मदद करता हूँ, तुम भी मेरे को मदद करना, दोनों अग्नि को साखी करके दोनों वहां पर उन्होंने साखी किए, बोले पहले मेरे पत्नी को आप मिला दो, फिर आपकी पत्नी के मिलाने के लिए मैं चेष्टा करूंगा। इसलिए भगवान राम ने क्या किया, एक बाण से ही उन्होंने बाली को उन्होंने समाप्त कर दिया है, समाप्त करके उन्होंने उनको कहाँ बैठाया, फिर उनको किष्किंधा में उनको राज सिंहासन में बैठा दिया उनको है। इसलिए कहते पुनर्वसु, जिसका जीवन उजड़ गया, जिसको जीवन को जो पुनर्वार जो बैठा दे है। फिर श्री विभीषण, इसका जीवन भी उजड़ गया था, इसकी भी पत्नी चली गई थी, इसकी भी पत्नी चली गई थी, इसलिए इसको रावण ले गया था इसको, इसलिए इसलिए जिस समय श्री विभीषण उन्होंने रावण को प्रार्थना किया, बोले हम कुलस्थ वंश के हैं, हमारी धर्म नहीं पराई स्त्रियों को अपहरण करना, हमारा धर्म नहीं, ये सीता नहीं, ये स्वयं जगदम्बा जग जननी माँ लक्ष्मी, ये सीता रूप में नहीं, ये काल रूप में आया है, ये काल रूप में आया है सीता, पूरा पूरा लक को उजाड़ देगा, इसलिए अगर राज्य को अगर तुम बैठाना चाहते हो रक्षा करना, माँ सीता को जाओ वापस देकर जाओ। उन्होंने मारा लात है, लात मार के विभीषण को भगा दिया। फिर विभीषण ने क्या किया, उसने आकर के उन्होंने प्रभु राम का शरण में लिया, जब राम शरण लिया, भगवान राम ने सप्त सिंधु को साखी करके उन्होंने प्रतिज्ञा किया, क्या प्रतिज्ञा है, सकृति एव प्रपर्णा जस्तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् प्रथमम्। भगवान की व्रत है, क्या व्रत है, जो एक बार प्रभु का शरण में आ गए और निष्कपट होकर के बोले हे प्रभु मैं तेरा हूँ तू मेरे हो, एक बार बोल दे है,
एक बार केवल प्रपन्न हो जाए अभय सर्वदा तस्मै, उसको मैं हर समय अभय प्रदान करता हूँ। ये मेरी व्रत है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। इसलिए भगवान ने क्या किया, अभी तक उन्होंने रावण को मारा ही नहीं, उसको पहले ही राज तिलक लगा दिया। भगवान कौन है? सत्य संकल्प, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्य, सत्य स जोनी नीतम च सत्य, सत्य स सत्य मृत सत्य नित्रे सता सत्यात्मकत्वम शरणम प्र। भगवान सत्य संकल्प है, सत्यम परम धीमही, वो परम सत्य है। भगवान राम जब रावण के साथ में युद्ध कर रहा था, बोले उसी समय से ही तेरे सर से मुकुट उतर गया। भगवान राम जिस समय उन्होंने विभीषण का राज से अनुष्ठान बाकी था, क्योंकि भगवान जो प्रतिज्ञा करते वो पूरी होता है, हैं? इसलिए भगवान का नाम पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुई, मतलब जिसका जीवन उजड़ गया, जिसका राज्य चला गया जीवन, उसको पुनर्वार जो बैठा दे। अब पुनर्वसु का दूसरा अर्थ क्या है, पुनर्वसु का दूसरा अर्थ क्या है, बोले पुनः पुनः हृदय में जो आकर के बैठते हैं। जैसे हम जब शरीर छोड़ देते हैं, जीव जब शरीर छोड़ता है क्या होता है, शरीर फिर कर्म के अनुरूप फिर उसने दूसरा शरीर धारण करता है। जब दूसरा शरीर धारण करते हैं, फिर भगवान क्या करते हैं, परमात्मा रूप में एक शरीर से जाकर फिर दूसरे शरीर में फिर जाकर बैठते हैं। इसलिए हर जन्म जन्म में ठाकुर जीव जी का हृदय में पुनर्वार जिनके हृदय में बैठते हैं उनका नाम पुनर्वसु। इसलिए भगवान कौन सा नक्षत्र में जन्म हुए, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म हुए। बोले कौन सा दिन था, मंगलवार। बोले मंगलवार में क्यों जन्म हुई, ये मंगलवार में क्यों जन्म हुई, कभी जो मंगल है ना, हैं, कभी ये पृथ्वी का बेटा है, पृथ्वी का ये बेटा। कल सुन रहे थे ना, जब भगवान वाटिका में गए उस समय में दामाद जी आए हैं, पृथ्वी से माँ सीता की उत्पत्ति हुई, वो तो हो गई सास, और वहां से हुई वृक्ष हुए संतान, मतलब ये हो गए उनकी साला। अगर दामाद घर में आए, उनको राजा जैसे पूजा होता है, उनकी ठाकुर जैसे पूजा होता है, इसलिए कभी पृथ्वी ये वृक्ष कभी अपना दामाद को कभी थोड़ी काम में लगाएंगे, इसलिए वो स्वयं सब समर्पित हो रहे थे। कभी जो मंगल है, कभी ये भगवान की साला, ये मंगल है, हैं, साला मंगल है। इसलिए मानो आपको पता होगा जो साला कितना प्यारा होता है, हैं? तुम तो कोई शादी किए ही नहीं, जो शादी किए हुए ना उनको पता होगा साला कितना प्यारा होता है साला। इसलिए मानो ठाकुर जी साले साहिब को खुश करने के लिए ठाकुर जी मंगलवार में जन्म हुए हैं। और कहते शुक्ल पक्ष है बता दिया, कहते भगवान मध्य दिवस बता दिया, बसंत ऋतु बता दिया। इसलिए भगवान ने ये यहाँ पर आठ कारण बताए, भगवान जो जन्म हुए हैं पुनर्वसु, पहला मंगलवार, मधुमास, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, शुक्ल पक्ष, मधुमास और बसंत ऋतु, ये कहते इसका आठ कारण बताए। किस लिए भगवान ने ये सब तिथियों को भगवान ने क्यों चुने, किस लिए चुने, इसका सब कारण बताए। जब भगवान जन्म हुए उसी समय में पूरा अयोध्या एकदम पूरा के पूरा अयोध्या नाच रहा था, अयोध्या सारे देवा देवी आकर के नाच रहे थे आनंद कुमारी। अभी उसको बाद में क्या हुआ, फिर उसको बाद में फिर होता है छठी पूजन होता है। और श्री हम यहाँ पर वर्णना करते हैं, हमारे कौन श्री दशरथ महाराज ने इतने दान दिया, कितना दान दिया, बोले 1 करोड़ उन्होंने गैया उन्होंने दान दिया है, 1 करोड़ गैया दान दिया, हाँ वाल्मीकि कहते हैं। लेकिन भगवान नंद बाबा ने कितना गैया दान दिया था, उन्होंने 20 लाख गैया दान दिया था, 20 लाख गैया दान दिया था। और भगवान के उत्सव में श्री दशरथ महाराज उन्होंने 1 करोड़ उन्होंने गैया दान दिया है। जो आए इतने दान दे रहे थे, सोना हीरे जवाहरात, कि तो वहां पर कोई लेने वाले नहीं रह गए, लास्ट में कोई लेने वाले नहीं रह गए,
ने सब कुछ उन्होंने दान दे दिया। जब जान दे दिया इतने में है, कहते इतने में एक वृद्ध ब्राह्मण आया, बोले मेरे को पता ही नहीं चला आपके घर में लाला भयो है, मेरे को पता ही नहीं पड़ा, इसलिए मैं तो वंचित हो गया, मेरे को भी कुछ दान दो। इतने में श्री दशरथ महाराज गले से उनका जो बड़ी कीमती हार को उन्होंने निकाल करके उसको भी दान दे दिया। फिर एक दो ब्राह्मण आया, उनका शरीर में जितने अलंकार था ना सबके सब उन्हें उतार करके उन्होंने दान दे दिया। सर्वप्रथम कौन जन्म हुए, बोले भगवान राम, सबसे पहले भगवान राम जन्म हुए। जब राम जन्म हुए फिर बाद में कौन जन्म हुए, उसको बाद में भरत जन्म हुए। लेकिन जब राम जन्म हुए, राम का रंग और भरत का रंग एक ही रंग है, दोनों श्याम रंग है, दुर्बादल श्याम दुर्बादल रंग है। जब राम जन्म हुए दूसरे बार, जब भरत जन्म हुए, उनको ऐसे लगा जैसे भगवान राम दोबारा जन्म हुए, राम जैसे दोबारा जन्म हुए। इतने में गुरु जी को जा करके खबर दिया है, गुरु जी को जाकर खबर दिया, बोले महाराज जी पहले तो एकदम श्याम रंग के बालक, दूसरा बार लगता है वही श्याम रंग का बालक, फिर दो बार जन्म हो गया। इतने में श्री वशिष्ठ जी है, वशिष्ठ जी बोले भगवान के हृदय में श्रीवत्स लांछन है, भगवान के हृदय में श्रीवत्स लांछन है और उनका हृदय में भृगुपद चिन्ह है। भगवान के हृदय में श्रीवत्स लांछन, भृगुपद चिन्ह, ये दो चिन्ह भगवान की बख्य स्थल में। लेकिन पहले तो राम जन्म हुए हैं पहले, लेकिन जब भरत जन्म हुए लेकिन उनका हृदय में वो चिन्ह नहीं, कहते उनका जो नजर है कि दोनों का जो नेत्र है कमल नेत्र, राम का भी कमल नेत्र, क्योंकि भगवान स्वयं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह रूप में भगवान ने जन्म हुए है। बोले राम का भी कमल लोचन और श्री भरत जी का भी कमल लोचन है। लेकिन भरत में एक विशेष चीज था, बोले कौन सा चीज, बोले उनका जो नजर है ना उनके नासिका में टिका हुआ था। बोले क्यों, बोले ये भरत कौन बनेगा, ये बहुत बड़े तपस्वी बनेंगे, राम के बहुत बड़े ये सेवक है, रामनिष्ठ सेवक, भरत जैसे सेवक दुनिया में कोई नहीं होगा, इसलिए उनका जो नजर है कहते नाक ऊपर लगा हुआ था, कहते जो साधक है, जो साधक है उनका लक्षण उनको अंदर में था, इनको अंदर में ये था। उसको बाद में फिर कौन जन्म हुए, फिर श्री लक्ष्मण शत्रुघ्न, उसको बाद में लक्ष्मण शत्रुघ्न जन्म हुए। दशरथ महाराज देख रहे थे कब मेरे घर में बालक जन्म हो, इनका किलकारी से, उनकी रोने का आवाज से मेरे घर गूंज उठे। जिस घर में बच्चे नहीं है ना, जिस घर में कोई बच्चे नहीं, किलकारी नहीं मारकर खेलते हैं, वो घर सुन्ना घर है, वो घर को सुना घर मानी जाती है, घर पूर्ण नहीं। घर की सुबह तभी जब घर में बाल बच्चे हो, किलकारी माले, खेले कूदे हैं, तभी घर की सुबह। इसलिए दशरथ महाराज तो पढ़ी, उन्होंने बहुत कुछ किया था घर में, बच्चा हो देख रहे थे। जब चार बच्चे जन्म हुए, दशरथ महाराज आनंद में फूल उठे हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं। कहते छह दिन में उनकी षष्ठी पूजन हुई है, षष्ठी पूजन हुई, फिर उसको बाद में फिर इनकी नामकरण संस्कार की गई है, नामकरण संस्कार की गई। बोले कितने दिन में नामकरण की गई, कहते इनकी 12 दिन में इनकी नामकरण की गई है। छह दिन एक दिन में और क्या, तो यहाँ तक तो कुछ पता नहीं होता। कहते एक दिन में ही षष्ठी पूजन होता है, छह दिन में बाद षष्ठी पूजा होती है, इसलिए एक दिन में ही केवल थोड़ी थोड़ी समय छोड़ करके उन्होंने चार बच्चों ने जन्म लिया है। इसलिए 12 दिनों में इनकी नामकरण संस्कार हुई। जब नामकरण संस्कार हुई तब श्री वशिष्ठ जी को बुलाए हैं, वशिष्ठ जी को बुला करके उन्होंने नामकरण संस्कार कराए। जब वशिष्ठ तो साधारण है ही नहीं है, कहते वशिष्ठ तो साधारण है ही नहीं, वो है हाँ हरे कृष्णा कहा गया है,
हरे कृष्ण। इसलिए वशिष्ठ तो साधारण है ही नहीं, है साधारण है ही नहीं वशिष्ठ जी। अभी जब चार चार बच्चों को राम को श्री दशरथ महाराज लेकर बैठे हैं, और जो तीनों बच्चों को तीन रानियों ने और तीनों बच्चों को लेकर बैठे, अभी नामकरण संस्कार करेंगे, संस्कार करेंगे, इतने में वशिष्ठ जी जब उनने चार बच्चों को देखा है ना, चार बच्चों को देख करके एकदम प्रेम में इतने विभोर हो गए, प्रेम में एकदम विभोर हो गए। बोले क्यों विभोर हो गए प्रेम में, बोले कारण है क्या, बोले कारण है यदि ये सत्य युग में पितामह ब्रह्मा जी ये वशिष्ठ जी को बोले, बोले वशिष्ठ जी तुम ये सूर्य वंश में पुरोहित का काम करो, बोले पिताजी हमको इसमें मत फंसाया करो, जो पुरोहित का पुरहित है पुर जो हित करने वाले, लेकिन जो पुर का जो हित करने वाले, पुर का तो हित करते हैं लेकिन उनको दान दक्षिणा लेना पड़ता है, वो दान दक्षिणा नहीं सो पाप का, जो दक्षिणा नहीं, ये दक्षिणा क्या है, पाप का दक्षिण भाग, पाप का दक्षिण भाग ये दक्षिणा है, है? इसलिए जो गृहस्थ व्यक्ति जो पैसा देते हैं, जो धन दौलत तो पैसा देते हैं, वो धन दौलत नहीं, वो पूरा के पूरा पाप का अंश तुम्हें प्रदान करते हैं, हैं? जैसे तुम्हें 10 रुपया दिया, वो 10 रुपया नहीं दिया, क्या सोच करके दिया, हमारे बेटे का शादी हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही, घर में ये बीमारी पड़ा हुआ है, घर में ये दुख कष्ट है, इसलिए घुमा फिरा करके हाँ घुमा घुमा करके 10 रुपया लेकर के, हम उधर 10 रुपया लेकर के क्या किया, दान दिया। वो पैसा नहीं, उसका जितने सारे पाप है ना, उसका जितने सारे पाप तुम्हें प्रदान किया, दक्षिणा नहीं, समझ रहे हो, ध्यान देकर सुनो ब्रह्मचर्य लो, इसलिए वो दक्षिणा नहीं, वो सारे को सारे पाप तुम्हें दिया है, है? इसलिए वो पाप दिया है, इसलिए दक्षिणा को क्या करनी चाहिए, ऐसे कोई दक्षिणा दे तो पकड़ में रख दिया नहीं, उसको लेकर के गुरु जी को दे दो, नहीं तो जो मठ में जो सीनियर व्यक्ति उनको लेकर के वो पैसा दे देनी चाहिए, वो पैसा नहीं रखनी चाहिए, हैं? अगर वो पैसा को रखोगे तो क्या होगा, पर ये पैसा को हम हजम नहीं कर सकते, पैसा को हम हजम नहीं कर सकते, चीज को अच्छे तरह समझो। अगर वो पैसा को लेकर के जैसे भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, उनको समय में कोई एक ब्रह्मचारी था, भिक्षा में गया, 25 रुपया मिला, 25 रुपया में गुरु जी को आकर के 20 रुपया दिया, गुरु जी ने कहा कितने पैसा भिक्षा हुई, बोले गुरु जी 25 रुपया, बोले 5 रुपया कहाँ है, बोले 5 रुपया निकालो, तो वो बिगड़ गया ब्रह्मचारी, बोले मेरा कोई खर्चा नहीं, मैं गाड़ी में जाता हूँ आता हूँ, कोई पैसा पैसा लगेगा है, मेरे को कोई खर्चा वर्चा नहीं, मैं कैसे खर्चा करूंगा, इसलिए सब आपको दे दूंगा। तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते, बोले बेटा ये गृहस्थ व्यक्ति जो दान देते है ना, ये क्या है, ये दान नहीं, ये पाप है, ये काल है, ये पाप है, देते हो दुख कष्ट तुम्हें दी, लेकिन जब तुम गुरु जी को हाथ में दोगे, गुरु जी वो चीज को पवित्र करके ठाकुर को अर्पण करके फिर जब वो देंगे, फिर तुम हजम कर सकते हो, उसको नहीं रखना, रखना ये पाप है, निकाल 5 रुपया। तो उन्होंने 5 रुपया गुरु जी को ला करके दिया, फिर गुरु जी ने कितना दिए, उसको 10 रुपया दे, उसको पवित्र कर दिया, गुरु जी का हाथ में छुला दिया ठाकुर के चरण में, अभी तुम इसको लो, गुरु जी का दिया। इसलिए कहते हैं, इसलिए उसी समय में जो ब्रह्मा जी बोले वशिष्ठ जी को, बेटा इनकी पुरोहित का काम करो, बोले गुरुदेव ये पुरोहित का काम नहीं, ये सारे गृहस्थ का, मैं तो बड़े भैया का आदर्श को ग्रहण करूंगा, हमारे जितने बड़े भाई जैसे चतुसन आदि थे, वो क्या किया, सबके सब साधु हो गए, चतुसन भी साधु हो गए, अपने जो 1000 दक्ष प्रजापति ने जन्म दिया, सबके सब साधु हो गए। बोले हम तो चाहते हैं भगवान हमें ये जो मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर का तभी सार्थकता जब ये जीवन पा करके भगवान की भजन करो, इसलिए पिताजी हम ये संसार की माया ममता घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते। तो ब्रह्मा जी को बोले अगर तुमको ये पुरोहित काम करते करते अगर भगवान मिल गए तो, बोले कैसे, बोले बेटा इसी वंश में, इसी सूर्य वंश में श्री दशरथ महाराज आएंगे, तो दशरथ महाराज आएंगे, इनके बेटे बन करके श्री भगवान राम स्वयं चतुर्व्यूह रूप में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध बन करके, भगवान चतुर्व्यूह बन करके आएंगे, जब आएंगे ना
इनका सारे संस्कार 10 तरह का संस्कार है। कितना संस्कार है, क्या क्या संस्कार है? पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है, उसको बाद में गर्भ संस्कार है, उसको बाद में है उनके नामकरण संस्कार, फिर उनकी अन्न प्राशन संस्कार, फिर कर्ण वेद संस्कार, चूड़ा कर्ण संस्कार, उनकी ऐसे 10 संस्कार है। कहते बेटा ये सारे संस्कार तुमको सौभाग्य में सारे संस्कार करने को मिलेगा जब भगवान राम आएंगे उनको गोद में लोगे तुम। जब बच्चे छोटे होते हैं ना एकदम नन्हे नन्हे कोमल कोमल चरण होते हैं, देखना किसी बच्चे को गोद में लो कितनी अच्छी लगती है, वो पैर को है उठाते हैं को पकड़ते हैं, बच्चे लोग पकड़ते हैं ना, कहा भगवान को गोद में लोगे। बोले जद्य भी समाधि सुविधि रवि पश्यति न तब न घाग्र मरीचि। जिस भगवान को शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाही निरंतर ध्यावे, हैं जिनकी चरण को बड़े बड़े देवता लोग भी ध्यान धरते हैं, बेटा वो भगवान को गोद में लोगे, उनको अन्न प्राशन करोगे, उनका नामकरण करोगे, सारे संस्कार तुमको। और जिस समय ये राजा बनेगा ना उस समय बड़े बड़े ऋषि लोग आएंगे, सबसे पहला तिलक तेरे को मिलेगा, सबसे पहले राज तिलक तुमको सर्वश्रेष्ठ पद तुम्हें प्राप्त होगा। जानते हो कितने जय जयकार तुम्हारी होगी भगवान की सेवा करने का, यही पुरोहित काम करते करते तेरे को भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बोले पिताजी फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा। इसलिए जब उन्होंने बच्चों को देखा अभी उनको पिताजी की याद आ गया, किसके पिता, ब्रह्मा जी को याद आया, मेरे को पिताजी ने बताया था बेटा तेरे पुरोहित काम करते करते भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इतने सौभाग्य है ठाकुर जी का मेरे को गोद में लेना पड़ेगा। वो तो एकदम भाव विभोर हो गए सोच सोच करके। दशरथ महाराज समझ गए भैया ये तो नामकरण करने के लिए बच्चों को लाए, ये तो इतने भाव विभोर हो गए, इतने तन्मय, इतने डूब गए, वो तो पूरा आंख बंद करके एकदम मुग्ध हो गए। क्यों? वो याद करते करते प्रभु को नामकरण करूंगा। बोले भैया जब तक इनकी गोद में राम को नहीं देंगे ना ये तब तक इनका आंख नहीं खुलेगा, इसलिए नामकरण नहीं करेंगे। पहले भगवान को इनको गोद में दे राम को, तब उन्होंने किया क्या, बच्चे को उनको गोद में दे दिया। जब गोद में दे दिया फिर तो और भाव भी भरोगे, ठाकुर जी की गोद में लेना है और भाव भी भर हो गए। भाव भी भर होकर के फिर उनको नामकरण करते हैं, क्या करते हैं, हे भगवान जो आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी, सीकरते त्रैलो क्या सुपासी, सीकरते त्रैलो क्या सुपासी, सो सुख था मारा मा असनामा मा असनामा, दायक विश्रामा अखिल दायक विश्रामा, आनंद सिंधु सुख रासी, जो आनंद सिंधु सुख रासी। तो देखो इसका नाम होगा श्री राम नाम होगा। बोले राम का नाम क्यों होगा? बोले जो आनंद सिंधु सुख रासी, ये कौन है? ये आनंदमय ब्रह्मा, ये आनंदमय सचिदानंद रूपाय ये स्वयं है, ये आनंद की सुख की राशि है। और ये कौन है? बोले ये त्रिलोक का कल्याण करने वाले, तीन लोगों का ये कल्याण करने वाले तुम्हारी बच्ची, सो सुख धाम राम असनामा, वो जो आनंद पूर्ण ब्रह्म वही अभी राम रूप में आया है, अखिल लोक दायक विश्रामा, विश्व ब्रह्मांड जिनके चरण में आश्रय ग्रहण करेंगे। और वाल्मीकि रामायण में बताया क्या राम जोगी नाम अनंत, क्या श्लोक है बोलो, क्या श्लोक याद नहीं है? रमन्ते जोगी नाम अनंते सुखानंदे चितात्मनी राम पदवस राम इति अभिधेयते,
हाँ वहां पर बताए, श्री वाल्मीकि कहते हैं रमनते जोगी नाम अनंते, जोगी लोग, जोगी लोग जिसमें एकदम रमण करेंगे, जोगी लोग जिनको अंदर में रमण करेंगे, जोगी नाम अनंते सत्यानंद चिदात्मनी, जो है जो सत्य सत्य स्वरूप जो चीद और आनंद स्वरूप है, ऐसे जो राम है इनका नाम क्या होगा, इनका होगा नाम होगा श्री राम है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। के दूसरा बेटा का क्या नाम होगा, उसका नाम होगा भरत नाम होगा। बोले भरत नाम क्यों होगा, और एक अर्थ बताए, राम मतलब होता है सीता जी और माँ मतलब होता है सीता जी को स्वयंवर में जो ग्रहण करेंगे, वहां भी एक अर्थ श्री राम का नाम अर्थ होता है। और विश्व ब्रह्मांड को जो आराम प्रदान करने वाले आनंद देने वाले, बोले विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत आस होई, जाके सुमीरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुन वेद प्रकाशा। कहते हैं दूसरा बेटे का नाम होगा श्री विश्व का भरण पोषण कर जो करेगा उसका नाम भरत। बोले किस चीज में भरण पोषण करेगा, बोले ये भक्ति को द्वारा विश्व ब्रह्मांड को, ये भक्ति को द्वारा भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा भरत। जब श्री विश्वामित्र जी भरत जी को गोद में लिया है ना, इतने प्रेम में विभोर हो गए, क्यों, वशिष्ठ जी त्रिकाल दृष्टा है। बोले ये कौन है, बोले राम का ये पक्के राम के सबसे बड़े भक्त श्री श्री भरत जी है, विश्व ब्रह्मांड का जो भक्ति का जो राह दिखाएगा, भक्ति को द्वारा भरण पोषण करेगा। वो ऐसे है कभी कभी गुरु को भी खारी खुटी भसन सुना देगा। बोले कैसे, बोले जिस समय राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, भरत ननिहाल में थे अपना मामा जी घर, जब मामा जी के घर से जब वापस आए, उसी समय जो भरत को जो पता चला, क्या पता चला, मेरी भैया ने मेरी भैया सीता जी को लक्ष्मण को राम को वनवास भेज दिया, इतने बिगड़ गई। बोले राम अगर नहीं बिगड़ते तो तेरे में गला में कत्ल कर देता, आज से तुम मेरी माँ नहीं, मैं तेरे बेटा नहीं है, मैं बेटा नहीं। इसलिए महारानी कई कई बोल करके जिंदगी भर उनको बुलाया, लेकिन जिस समय अभी कौन राजा बनेगा, दशरथ महाराज चले गए, राम चले गए, कहाँ चले गए, वनवास, राजा के बगैर जगत राजकथा फैली जाएगी, राजा बनेगा तो बनेगा कौन, राजा बनेगा। इतने में श्री वशिष्ठ जी भरत जी को बोले, भरत तुम अभी राजगद्दी को तुम संभाल, तुम बैठो। इतना सुनते ही भरत इतने बिगड़ गए, उन्होंने गुरु जी को भी खारी खोटी सुना दिया। बोले लगता है वृद्धावस्था होने का नाते आपको बुद्धि लगता है विकृत हो गई है, हैं? लगता है बूढ़े हो गए ना, इसलिए विकृत हो गई आपका बुद्धि। मैं तो सोच रहा था मेरा अंतिम सहारा आप ही हो, जो कि हमें अच्छे राह दिखाओगे। आप कह रहे हो पे राज सिंहासन में बैठो, भगवान राम सिंहासन में, मेरे वजह से मेरे प्रभु जंगल में चले गए, माँ सीता जो फूल सभी जो कोमल है वो नंगे प्यार में जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, भैया श्री लक्ष्मण भी उनके सेवा में चले गए, अगर मैं ये सिंहासन को छू लो ना ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, हैं? मैं कभी भी नहीं सोच सकता हूँ राम के सिंहासन में कभी मैं बैठूं, वो मेरे प्रभु में सेवक हूँ। इसलिए गुरु जी को भी खारी खोटी सुना दिए। इतने में श्री वशिष्ठ कहते हैं, बोले श्री भरत जी अभी मेरे बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा, मेरे बुद्धि कोई काम नहीं कर रहा, अभी क्या करे नहीं करे, इसलिए अभी तू जो बोलो वही धर्म है, बताओ क्या करनी चाहिए। बोले चलो हम सब के सब श्री जंगल में जा करके भगवान राम को, उनका ही राज्य है, उनको वापस लाए और उनको सिंहासन में स्थापन करे। अभी श्री वशिष्ठ इसको सोच करके एकदम प्रेम में गदगद हो गए, बोले वाह क्या राम के एकांत भगत है, हैं? इसलिए इनका नाम भरत रखा। बोले तीसरा बेटा का नाम रखा लक्ष्मण रखा। कहते तो उनका नाम लक्ष्मण क्यों नाम रखा, बोले लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेही राखा लक्ष्मी मन नाम उदार। इनका
नाम लगा लक्ष्मण है, लक्ष्मण मतलब होता है लक्ष्मणम लक्ष्मी वर्धनम, लक्ष्मी वर्धनम जो लक्ष्मी को बढ़ाने वाले, बोले कौन सा लक्ष्मी को, बोले भक्ति लक्ष्मी को बढ़ाने वाले। ये कौन है, बोले जीवाचार्य है, ये अनंत देव स्वयं श्री अनंत नाग है, ये धाम स्वरूप श्री लक्ष्मण लाल है, इसलिए जगत का जो आधार है इसलिए इनका नाम लक्ष्मण रखा। और चौथा बेटा का नाम रखा शत्रुघ्न है, बोले शत्रुघ्न नाम क्यों रखा, बोले जिसको सुमिरन करते ही जितने शत्रु सबके सब शत्रु नाश हो जाए, इसलिए उन्होंने जो राक्षस को बंद किया था क्या नाम उसको, अरे हाँ क्या नाम, लवणासुर, लवणासुर को उन्होंने, लवणासुर को उन्होंने शत्रु को उन्होंने विनाश किया था हैं। बोले ये शत्रु को जो विनाश करने वाले और इनको सुमिरन करते सारे शत्रु विनाश हो जाएंगे, इसलिए इनका नाम होगा श्री शत्रुघ्न नाम होगा। उन्होंने चार बच्चों को उन्होंने चार नामकरण कर दिए। अभी उनको रुचि परीक्षा, रुचि परीक्षा में भी भगवान राम किस चीज को धारण किया, बोले उन्होंने वेद और उन्होंने धनुष को धारण किया, वो समझ गए हैं, ये समझ गए वेद धनुष को धारण क्यों किया, बोले ये धनुष धारण किया मतलब पृथ्वी में सबसे बड़े धनुर्धर, और उनने एक तो मर्यादा को वेद को भी स्थापन करेगा और जगत में अपना राज्य धर्म को भी पालन करने वाले श्री राम बनेंगे हैं, राम बनेंगे। फिर उसके बाद फिर उनकी रुचि परीक्षा, उसके बाद फिर उनको अन्न प्राशन होता है, फिर उनका अन्न प्राशन ऐसे ही भगवान की बड़े सुंदर सुंदर लीला प्रभु ने की। बोले श्री सियावर रामचंद्र की, बोले श्री लक्ष्मण लाल की, भरत शत्रुघ्न की, बोले अयोध्या धाम की, बोले श्री कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जी की, दशरथ महाराज की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, अरे कल से हम लोग रामायण नहीं चैतन्य भागवत सुनेंगे, ठीक, महापुरुष कथा सुनेंगे, चैतन्य भागवत सुनेंगे कल से। बोले रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता, जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय 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 सियाराम, जय जय सियाराम, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय 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 सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय जय सियाराम, जय सियाराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुपति राघव, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
राम राम हरे हरे